ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन। तो गाइज़, मुझे रिक्वेस्ट चाहिए कि हर चैप्टर के जो है ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ना वो शेयर कर दें, जिसे हम कहते हैं ना कि गेस देना। मैं खुद यार नलायक सा हूँ, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ जो मैंने हमारी यूनिवर्सिटी में जिस तरह आते थे ना टॉपिक्स, ठीक है, उस लिहाज से मैं आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले मैंने एयर की जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन की है। अगर किसी ने कुछ भी नहीं ना पढ़ा तो एटलीस्ट इन टॉपिक्स की कहीं ना कहीं से वीडियो देख लें, ठीक है, या इनको एक दफ़ा जो है ना किसी शॉर्ट बुक से लाजमी कर लें, क्योंकि ये टॉपिक हाई यील्ड मैंने अभी अभी अरेंज किए हैं, ठीक है। इधर उधर से जहाँ जहाँ से मुझे मटीरियल मिला, मैंने वहाँ से अरेंज करके ये मैं साइट पर दिखा दूंगा आपको, इस साइट पर या इस साइट पर, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो होपफुली इसमें से आपका मेजर पोर्शन हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे छोटी छोटी वीडियोस के अंदर जो है ना वो आपके साथ शेयर करता रहूँ, ठीक है। एयर के अंदर जो है ना वो एनाटॉमी या मिडल एयर आपको आनी चाहिए, ओटाइटिस एक्सटर्ना, एयर वॉश जिसे हम एयर टाइलेट कहते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, सेक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये मैंने सारे लिखे हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। फेशियल नर्व के पैरालिसिस, अक्यूट मेस्टाडाइटिस, ऑटोजेनिक ब्रेन एब्सेस, ऑटोस्क्लेरोसिस, मीनियर डिजीज, फेशियल नर्व, ट्रोमेटिक रेप्चर ऑफ द एयर ड्रम, ठीक है, जो टम्पैनिक जो मेम्ब्रेन है, फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल इंपॉर्टेंट है, ग्लोमस ट्यूमर, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, एयर डिस्चार्ज, वर्टिगो, ओटैल्जी और मेनिनगॉटमी, ये 22 टॉपिक कुछ कुल बनते हैं। अगर आप चाहते हैं एयर के अंदर से आपके मैक्सिमम हो जाए, तो ये इन 22 टॉपिक्स को जो है ना वो किसी तरह, मैं कहता हूँ, घोल के जो है ना वो आपने पी लेना है, किसी सूरत नहीं ये छोड़ के जाने। और फिर आप जब वाइवा के अंदर जाएंगे तो आपको इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर मीनियर डिजीज़ का उनका मेस्टली एयर में से क्वेश्चन होता है फेवरेट। फेशियल नर्व का रूट पूछ लेते हैं, उसकी 5 ब्रांचेज, कोई थोड़ी बहुत एनाटमी पूछ लेते हैं, कि जिसके अंदर था ना टेन जेबरा बिट माई कार था, ठीक है, मतलब था कि एक था हमारे पास टेम्पोरल ब्रांच थी, फेशियल नहीं, जाइगोमेटिक थी, फिर बक्कल थी, फिर हमारे पास सर्वाइकल थी और मार्जिनल मैंडिबुलर थी। ये 5 ब्रांचेज जो है ना मुझसे कभी पूछी थी उन्होंने, मुझे अभी तक याद है, मैंने वो मनीमोनिक बनाया हुआ था फेशियल नर्व का। बाकी ट्रॉमेटिक इंजरी मतलब उसको कोई एक्सीडेंट हुआ या इस तरह चोट लगी है सर के ऊपर, तो उसके मुतालिक है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी मैंने एयर के बनाया, नेक्स्ट जो है ना मैं नोज़ के शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने आपके साथ पैथो के इंपॉर्टेंट सारे के सारे जो है ना वो सीरीज़ वाइज जो है ना भेजूंगा। कोशिश कर रहा हूँ कि एज सुन एज पॉसिबल कर दूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि ये किसी ना किसी एक बंदे की ज़रूर हेल्प करेगा। और बाकी दुआओं में याद रखना, आजकल मुझे काफ़ी ज़रूरत है इस दुआओं की भी, और इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत से जो है ना वो मैंने समाल जो है ना MCQs वो भी शेयर कर दिए, जिन जिनको मैसेज का रिप्लाई मिला, आई विल ट्राई कि एज सुन एज पॉसिबल कर दूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।